हम वही जी गए डांगडोंगरी पे मनोर गए, नाजिम खतीब के इधर शादी में, उसके लड़के की शादी है ना, बहुत दिल से चाहता पहुंचना लेकिन इतनी गड़बड़ थी तो दुआ मांगी थी अल्लाह से कि हम लोग सही वक्त पे पहुंचे। तो नाजिम नाजिम ये नाजिम आया, देखो नाजिम के यहाँ की शादी में हमको फोटो बहुत दिल से निकालने के थे दूल्हा दुल्हन के, लेकिन वो नहीं मिले इस तरीके से, इसके लिए ऐसा हमको बताना पड़ रहा है कि नाजिम ये दूल्हा ये दुल्हन। और दूसरी बात, नाजिम ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छे से किया है बंदोबस्त। देखो घर पे ले आके बिठाया और ये घर पे हम लोग खाना खाने बैठ गए, सालन चावल और ये कितना अच्छा अच्छा सब हो, जर्दा कितना अच्छा है और बहुत बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। और वो खुद खड़ा गया देखने के लिए कि हम लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, क्योंकि दो शादी पहले अटेंड किए ना, तो उसके दिल में ऐसा हम लोग खा रहे कि नहीं खा रहे, उसको बताया ना बाबा खा रहे खा रहे, तेरे तो बोले दिल से आने का था और तूने जो इज्जत बख्शी है उसके लिए शुक्रिया। और अगला आवाज दान्या का। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे सच में हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हमें बहुत मतलब रिस्पेक्ट दी उन्होंने। हालांकि यहाँ शादी में आने की वजह भी उनकी रिस्पेक्ट ही थी, क्योंकि मेरा तो कोई शादी में जाने का इरादा नहीं था। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में जो थे उनको उनके अंदर भी बताया था कि मेरा शादी में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने दानिश को इतना मतलब ये किया था कि नहीं मतलब मुझे लेकर आना है, तो फिर कोई इतना रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको इस तरीके से नहीं नहीं बोलना चाहिए। इसलिए फिर मैंने दानिश को कहा अच्छा ठीक है मैं शादी में आ जाऊँगी। तो मनोर में शादी तीन तीन थे, जैसे कि इससे पहले का जो भाग देखा दूल्हा दुल्हन, तो वो दूल्हा दुल्हन की अलग अलग दावत थी, हमें दुल्हन की तरफ से भी दावत थी और दुल्हन की तरफ से भी दावत थी। तो इस तरीके से पहले हमने जवाहर का किया, फिर मनोर वो वहाँ गए, फिर अभी यहाँ पे आए। यहाँ हम थोड़ा सा लेट हो गए, क्या करते ना, हमारा सफ़र भी लंबा था उस हिसाब से, लेकिन इन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी ना, उसके लिए मतलब क्या हो दिल से मतलब हमें खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमारे हमें मतलब उनके साथ वीडियो वगैरह बहुत कुछ करना था, लेकिन लेट होने की वजह से दुल्हन शायद उसके मायके वाले आए थे दुल्हन को ले जाने के लिए, तो वो मतलब पूरा हम लोग नहीं कर पाए जितना हाँ होना था। बोले तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो उनसे ही फ़ोटो ले लेते, तो हमने अभी उनसे ही फ़ोटो ले लिए, जो मैं फ़ोटो बीच बीच में डाल दूंगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम जल्दी पहुंच नहीं पाए, लेट हो गए। तो इसलिए फिर मैं अभी उनके फ़ोटो डालने वाली हूँ, तो आप लोग देखो और उनके लिए दुआ करो, उनके आगे के आने वाली लाइफ के लिए। अल्लाह करे सच में सब कुछ बहुत अच्छा रहे और बहुत आमीन माशाल्लाह माशाल्लाह है। आमीन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं ये कहूँगी कि मुझे यहाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन पेट फुल था, खा नहीं पाए, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी नहीं, उन्होंने इतनी हमें ज़बरदस्ती की और वो हमारे पास ही रहे, ये लोग वो लोग सब खुद देख रहे थे, तो हमें थोड़ा तो खाना ही था। और मुझे स्पेशली जर्दा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैंने फिर जर्दा ले लिया। तो ये हमारे दोस्त का घर है शादब का, शादब बुबेरे उर्फ लंबू उर्फ शेरा, शेरू का बाप, हमारा बचपन का साथी दोस्त ड्राइवर हमदर्द। ऐसे तो बच्चे शादी में आए, हाँ शादी में ना लाजी ने बहुत जोर जोर मारा था, आना पड़ेगा। और की तो खाया पिज्जा आया, उसके पहले जवाहर गया सदू अपना जवाहर का, उसके शादी में कल से गया था। हाँ अपना बहुत आदमी भारी ना, अपने नौशा पीछा की थी पहले वैसा ही। हम शादी में से निकले और फिर यहाँ पे आए। हालांकि मनोर में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमें बुलाते हैं, लेकिन मैं खास करके नहीं जा पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है अभी कि जाने का है। वो का है कुछ हो गए वो पार्लर खोल लेना, नहीं इधर भी कुछ ही लड़की है फातिमा, फातिमा का है, फातिमा की लड़की कौन सी वंशना, ये छोटी मरियम उधर सिंजन में पढ़ती है, ये तीन नंबर ना, दो नंबर दो लड़की ना, तीन ना दो चार दो लड़की, हाँ ये फराज की, हाँ ये फराज की वहाँ तो दिखता है चेहरा फराज का, जरा बोलो जमीन दिखा। यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मनोर वापस आना है, जहाँ वहाँ जाने के लिए जो लोग सब बुलाते हैं उनके यहाँ कोशिश करनी है मुझे आ जाने की।
और यहाँ स्पेशली अच्छा इसलिए लगा कि दानिश की काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली जो कि बहुत अच्छी और बहुत रिस्पेक्टफुल थी, जिससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ये सही था ना, जब इसकी शादी करके लाया था ना, हीरोइन थी, हीरोइन पठान की लड़की। फिर यहाँ पे बहुत सारी इनकी शादी की बातें मुझे बताई जा रही थी, दानिश और वो सब मिलके बता रहे थे कि कैसे क्या कैसे दिख रहे थे वो सब, फिर उनके शादी के एल्बम वो सब देखने की बातें चली। एल्बम ला रहे, बता बता एल्बम लेते हैं, एल्बम पे बुढ़ी का एल्बम है दादा, ये तो इस आज की है आज, हां मारता था ड्रम को सिग्नल वस्तु का वो जो फिर उधर रहने हो गया अपने बंगले पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दानिश की तारीफ कर रहे थे वो, कि दानिश कैसे थे क्या क्या करते थे मेरे लिए भी, मतलब मैं कुछ मांगता था तो वो कुछ और देता था उस हिसाब से। मतलब मैंने हमेशा दानिश के बारे में इतनी बातें सुनी है कि मतलब क्या बताऊँ, उसके ऊपर मैं कभी बोलूँगी। फिर इसके बाद हम लोग गए टेन गाँव में, और वहाँ पर जाके तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे घर पर ही हूँ, इतना अच्छा लगा। उन्होंने भी इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया कि क्या बताओ। मनोर से हम लोग बराबर 8 बजे निकले हैं, और हम जिनके यहाँ थे वो लोग इतने अच्छे कि क्या बोलो। मैं जितना भी टाइम उनके यहाँ बैठी ना, वो टाइम कैसे चला गया पता भी नहीं चला। बेचारे बहुत जबरदस्ती कर रहे थे खाके जाओ, लेकिन जगह ही नहीं थी तो खाके कहाँ से जाती है ना, कहाँ से क्या करते। तो अभी नेक्स्ट टाइम जल्दी आना है, लेकिन उसके लिए पहले हमारे बच्चों के लिए किसी को ढूंढना है ताकि कोई जल्दी आ जाए, जिसमें जा मतलब तो फिर हम बच्चों को उसके साथ रख के ना निकल सके। क्यों दानू? बिल्कुल हमारे बच्चे लोग को हमको और निकल तो गए, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आज, संडे है ना, इसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमने आज भी वैसा ही हुआ है, कोई फोटो वगैरह कुछ भी नहीं लिया हमारा खुद का, टाइम ही नहीं बचता क्या करे। नहीं बच्चे साथ में नहीं रहता था ना, तो हमें टाइम मिलता था, बच्चे साथ में होने की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता है। अभी जस्ट हम घर पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके बोले तो अभी तक ऊपर नहीं गए, नीचे ही है। दानिश गाड़ी का सामान निकाले, बच्चों के यहाँ लिख के पास लाके रखा है, इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और दानिश वो सामान निकाल रहे, हालांकि हमें दूसरी राउंड के लिए आना पड़ेगा, तो अभी दूसरे राउंड के लिए हमने क्या सोचा, अभी जितना जाएगा सामान उतना लेके जाएंगे, और बाकी नीचे की बिल्लियों के लिए खाना लेकर आना ही है ना, तो खाना लेके आएंगे और साथ में बचा हुआ सामान लेकर जाएंगे। हम घर पहुँच के सिर्फ चेंज कर लिया है और नीचे बिल्लियों के लिए खाना लेकर आए हैं, लेकिन अभी 2 दिन से खाना नहीं उनको मिला ना, तो आज एक ही सी बिल्ली आई है और कोई आया ही नहीं है। ये देखो खाने लग गया है। हाँ दो होंगे, दो रहेंगे। दानिश गाड़ी से सामान निकाले। वहां गेट के ऊपर कुत्ते भी देखो, उनकी आंखें चमक रही, वो लोग भी आ चुके, सब अच्छे से ध्यान से ले लो निकाल के। हाँ ले ले ले, इसको भूख देखो कितनी लगी है, ये ले 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 ले। अभी देखो एक तो आई थी कब से, बाबूला उसका नाम है, वो तो खाकी मोखली हो गई है, बहुत सारे उसने डांस भी किए, बातें भी बहुत करती है, व्यायाम ही वही चला है उसका। उसका हो गया ना बड़े मुश्किल से, उसका हो ही गया तो लगे दूसरी हाजिर हो गई छोटी, और बाकी है, पता नहीं कब आएंगे। नीचे वाली छोटी आई, और ये तो उसने उसने ताव मारने का काम चालू किया है, ताव मारी है पापा, अच्छा लग रहा है। अच्छा पीटू पीटू,
दिख रहा है ना बराबर चाचा पोतू 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 अच्छा 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 दानू उसको कितना अच्छा लगा है और लाला की जैसा भी है ये पापा पापू कुटू 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 उले 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 दानू जरा भी हल्ले को तो यानी उसको ऐसा क्या ऐसा पकड़ के रखो मेरे को अच्छा पकड़ के लो कू अच्छा अच्छा दानू बहुत खुश है वाह वाह पापा मिला ये दो दिन हम कहाँ थे ये पापा को खाना नहीं दिया दानू बच्चा कितना खुश है पापा नीचे नीचे जबड़े के नीचे पापा ले 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 आते पापा तेरा हुआ है दानू प्यार करने में कितना बोल रहा है ओ ओ ले अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ ये पुच्छुक को जैसा घसनी बोल रहा है अच्छा अच्छा कुलो अच्छा 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 कुलो उली उच्च ये उच्च 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 बाकी तो कोई लेकिन क्या बोलो बोलो कर रहे इधर को इधर को पापा 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 दानू इधर को तंगड़े चुप पर उठाए दानू से तंगड़े पर दिख रहा है ना सही उली पापा पापा मेला मेला पापा है ना छोना मेला दानू तंगड़े देखो देखो कैचा है बाबूला ये बाबूला।